सो गाइस वेलकम बैक दिस अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं चेंजमेंट के ऊपर। ये चेंजमेंट करना क्यों ज्यादा जरूरी है, आपको एक चीज पता होगी कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर जॉब स्टार्ट करते हैं या फिर बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर चेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने डेली रूटीन को लेकर उन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, चाहे वो सुबह से लेकर हम शाम तक जो काम करते हैं उसका हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं या फिर कुछ काम करते हैं उसका हम कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज करते हैं जिससे कि हम उसके अंदर अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम चेंज होना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं या फिर जब भी हम स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गाइस वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए होते हैं कि चेंजमेंट होता है, अपने अंदर अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है और वहाँ पर चेंजमेंट ही सिखाया जाता है, राइट। आपको मैं बता रहा हूँ कि चेंजमेंट हमें क्यों करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई काम चेंज नहीं करेंगे, अगर मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा तो शायद मैं चेंज नहीं हो पाऊंगा। लेकिन हर चीज़ के अंदर आपको चेंजमेंट करने की जरूरत होती है, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं ना तो स्टडी के अंदर भी आपको चेंजमेंट करने की जरूरत होती है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर भी, और अगर जॉब कर रहे हैं जॉब के अंदर भी आपको चेंजमेंट करने की जरूरत होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ आपको चेंजमेंट करना होता है, अगर आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी कंपनी आपको जॉब के साथ में चेंजमेंट करवाती है, हो सकता है आपको बेसिप लगती हो सकता है सी सिप लगती, तो आपको शिफ्ट के अनुसार जाना होता है, आपको चेंजमेंट जरूरी होता है वहां पर, राइट। सो देन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि चेंजमेंट अपने जिंदगी का एक पार्ट है, तो अपने को चेंजमेंट जब तक हम नहीं करेंगे अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना जो माइंड प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस है उसको हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। सो दैट करना क्या है अपने को, अगर अपनी लाइफ के अंदर चेंजमेंट करना है और अपने आप को चेंज करना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर पाओगे। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं घर पे रहते हैं या फिर अपनी फैमिली के अंदर रहते हैं तो क्या होता है कि जब हम 10-12 बजे उठते हैं 10-11 बजे उठते हैं, राइट। सो दैट उससे क्या है कि अपनी लाइफ के अंदर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अगर हम चेंजमेंट करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, 6 बजे से फिर 7 बजे उठेंगे, जिससे कि अपनी फैमिली वाले जो अपने मतलब पापा मम्मी जो है वो भी सोचेंगे यार बंदा कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कि मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कि जो 10-12 बजे उठने वाला बंदा आज 6 बजे उठ रहा है तो कुछ न कुछ तो चेंज है। तो चेंज करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर आप वही करेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको शायद वही मिलेगा जो आपको मिला है, राइट। तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा और कुछ डिफरेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखना कि चेंजमेंट जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने चेंजमेंट के साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे तभी आप चेंजमेंट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक दिन 6-7 बजे उठ रहे हो और फिर दूसरे दिन वापस 10-11 बजे उठ रहे हो तो वो चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपने एक बार डिसीजन लिया, वो कुछ माइंडली प्रोसेस नहीं हुआ है। आपने क्या किया है कि बस कल एक बार टेम्पररी सोचा है कि मेरे को वो करना है और आपने कल मॉर्निंग में उठ गए और 6-7 बजे उठ गए और आपने काम कर लिया, अपना काम सारा निपटा लिया और आपने वापस सो गए 10-12 बजे, वापस आप वही रूटीन यूज कर रहे हैं, तो शायद चेंजमेंट है उसको नहीं बोलते हैं। अगर आपको चेंजमेंट करना है तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जिससे कि आप अच्छे से चेंजमेंट हो पाओ और अपने आप को अच्छे से चेंज कर पाओ। कि चेंजमेंट के साथ है ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज करने की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम एक्चुअली बना लेते हैं कि कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, ये कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चेंजमेंट आपका एक ही बार होना चाहिए और चेंजमेंट जो है आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल हटा लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं हटाओगे तो शायद चेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट। सो दैट जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा है, जिस भी हिसाब से आपने सोचा है और जो करने का सोचा है उसके साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जिसको मैं मुझे करना ही करना है और कुछ ऐसे रूल्स बनाइए जिसको मेरे को नहीं करना है, देन आप अच्छे से उस चीज को कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करोगे तो आप अपने रूल्स के हिसाब से करोगे और जब भी आप कुछ गलत करने जाओगे तो आपके रूल्स आपके सामने आ जाएंगे और उन चीजों की वजह से आप वो चीज नहीं कर पाओगे। तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बनाएं। बाकी हम मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर एंड विश यू वेरी वेल।